हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो सीटेड स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेड के लिए नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा आपके लिए। सो बड़े आराम से इस टॉपिक को हम सीखेंगे। थोड़ा सा इसके हम बहुत कम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इंट्रो ज़्यादा है नहीं, आपका सॉल्यूशन ही होगा आपका इसमें मैक्सिमम। सो चलिए इसका इंट्रो लेते हैं। इंट्रोडक्शन का थोड़ा मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था बोर्ड मास के बारे में, बस बोर्ड मास से एक वर्ड और ऐड हो जाएगा आपका, वी बी ओ डी एम ए एस। ये आपका वी का मीनिंग होगा विनाक्यूलम, बी ब्रैकेट, ओ मीनिंग ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड लास्ट सब्ट्रैक्शन। अगर आपको कोई डिजिट गिवन है जिसमें विनाक्यूलम लगा होगा, उसमें आप सब फर्स्टली आप उसको सॉल्व करेंगे, सेकेंडली आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में डिवाइड को सॉल्व करेंगे, आफ्टर देन मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, आफ्टर देन एडिशन एंड एट लास्ट आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इसमें आप टाइप्स ऑफ ब्रैकेट को भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट को देखिए, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स फर्स्टली आपका होगा, ये आपको डिजिट के ऊपर ऐसा कुछ साइन मिलेगा जो कि लाइन सेगमेंट की तरह ही दिखता है, वो होगा आपका विनाक्यूलम। सेकेंडली आपको ऐसा कर्व्ड ब्रैकेट दिखेगा, वो होगा आपका स्मॉल ब्रैकेट। थर्डली आपको ऐसा कुछ कर्ली सा ब्रैकेट अगर नजर आता है, वो आपका कहलाता है मीडियम ब्रैकेट। जब आपको ऐसे बॉक्स में ब्रैकेट नजर आएगा, वो आपका कहलाता है लार्ज ब्रैकेट। सो इसको बोर्ड मार्क्स में आप सीरियल वाइज ही सॉल्व करेंगे। अगर आपका ये प्रेजेंट है फर्स्टली इसको, अगर आपका तीनों ब्रैकेट गिवन है, सो फर्स्टली आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सेकेंडली आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड एट लास्ट आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इनको आप सीरियल वाइज ही सॉल्व करेंगे अगर किसी सिंप्लीफिकेशन में आपको ये सारे ब्रैकेट्स एक साथ गिवन हैं तो। सो आपको इंट्रो में इतना ही देखना था। अब हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन देखिए आप लोग, 5.41 मल्टीप्लाई 5.41 सब्ट्रैक्ट 4.53 मल्टीप्लाई 4.53 डिवाइड बाय 0.94 इज किस चीज के मीनिंग आपका ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं। सो आपका आंसर, आपसे आंसर पूछा गया है। सो क्वेश्चन देखिए, 5.47 मल्टीप्लाई 5.47 सब्ट्रैक्ट 4.53 डिवाइड बाय 0.94। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपका एक फॉर्मूला लगेगा जो आपने क्लास सेवंथ या एट्थ में पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो उस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें यह आइडेंटिटी यूज हुई है। फर्स्टली मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ आपकी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब देखिए ये दोनों डिजिट सेम है, यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन लगा हुआ है और ये दोनों डिजिट भी आपकी सिमिलर है। सो इन दोनों डिजिट को अगर मैं साथ लिखूं, और ये क्योंकि डिजिट दो बार है तो आप इसका स्क्वायर लगा देंगे माइनस, ये बी डिज, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया एंड ये आपका बी हो गया। इसे आप लिख देंगे 4.53, ब्रैकेट लगा देंगे एंड डिवाइड बाय 0.94। अब इस डिजिट को ए को एक बार आप प्लस में लिखेंगे और एक बार ए बी को आप एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। 5.47 प्लस 4.53 ब्रैकेट क्लोज, आप सब्ट्रैक्ट में लिख दीजिए सेम डिजिट को, 5.47 सब्ट्रैक्ट 4.53 डिवाइड बाय 0.94।
आप इनको ऐड कीजिए, सो आपका आ जाएगा 10.00 एंड इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो आपका आ जाएगा 0.94। डिवाइड में आपका 0.94 है, ये 0.94 से 0.94 आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 10.00। देखिए डेसिमल के पास के बाद जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, सो आपका आंसर आ गया 10 एंड ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं, ये क्वेश्चन तभी होंगे जब खूब खूब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो एक बार और इन क्वेश्चन को देख, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये इसमें आपका फॉर्मूले का यूज करना था। हमें कैसे पता चला कि फॉर्मूले का यूज करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है, क्योंकि इसमें सेम डिजिट दो बार है, सब्ट्रैक्ट एंड सेम डिजिट आपकी दो बार है। इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी कंसिडर कर लीजिए। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आपको ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ मिला है दे रहा, सो आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना होगा। इसको हमने लिख दिया है एंड एक बार हमने इसे प्लस में कर लिया, एक बार माइनस में कर दिया, डिवाइड कर दिया 0.94 से, सेम डिजिट्स कैंसिल हो गई और आपका आ गया 10.00। सो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं इस सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नाउ देखिए सिंप्लीफिकेशन के पी वाई क्यू का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप देख पा रहे हैं कि इसमें सारे ब्रैकेट प्रेजेंट है, वही ब्रैकेट जो अभी हमने इंट्रो में पढ़े थे, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड आपका लार्ज ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट के टाइप्स इसमें प्रेजेंट है। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें पावर जो है माइनस टू की वो माइनस वन है, फिर उसके ऊपर भी माइनस वन पावर है, फिर उसके ऊपर भी माइनस वन पावर है। जब भी आपकी पावर माइनस में हो, सो आपको उसे सॉल्व करना हो, नेगेटिव पावर हो, तो आप उस नंबर को रिवर्स कर देंगे, हम उसकी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। सो हम इस क्वेश्चन में सेम ऐसा ही करने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं कैसे। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास तीनों तरह के ब्रैकेट सॉल्व हो, ब्रैकेट हो, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्टली हम स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। देखिए स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ये सबसे अंदर का स्मॉल ब्रैकेट है। आप बाकी ब्रैकेट एज इट इज बनाएंगे, लार्ज ब्रैकेट एंड आपका मीडियम ब्रैकेट। अब आप माइनस टू आपको गिव, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट टू टाइम्स है, सो फर्स्टली आप वन टाइम्स लीजिए, ये आपका माइनस टू है। माइनस टू को अगर मैं इसकी जो ये नेगेटिव वाली पावर है, अगर मैं इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे माइनस टू को रिवर्स करना होगा। मीन्स ये न्यूमिनेटर में, तो आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाइए। अब ऊपर कुछ तो डिजिट आपको लिखनी होगी, सो आप वन कंसीडर कर लीजिए एंड इसकी पावर जो है अब आपकी पॉजिटिव पावर हो जाएगी। सो आप ऐसा ही करने वाले हैं, माइनस टू को आप रिवर्स कीजिए वन माइनस अपॉन टू, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया। अब आप करेंगे ये वाले माइनस वन को लेंगे, हम इस वाले माइनस वन को हमने ले लिया एंड अब आप इसको क्लोज कर देंगे इस वाले ब्रैकेट से, मींस मीडियम ब्रैकेट से अब आप इसको क्लोज कर देंगे। ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं, अब ये जो ब्रैकेट है आपका, ये वाला ब्रैकेट है आपका, दो स्मॉल ब्रैकेट थे ना आप देख पा रहे हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट ये रहा, एक स्मॉल ब्रैकेट ये रहा। सो एक स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके माइनस वन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब ये जो माइनस वन है, ये आपका ये वाला माइनस वन है। नाउ हमने लगाया मीडियम वाला ब्रैकेट, अब आप ये वाला माइनस वन एज इट इज लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए लार्ज ब्रैकेट से, लार्ज ब्रैकेट के बाहर भी आपका माइनस वन प्रेजेंट है। ओके, अब हम इस वाले माइनस वन की पावर को सॉल्व करने वाले हैं। सो अगेन आप लार्ज ब्रैकेट लीजिए, मीडियम ब्रैकेट लीजिए, माइनस वन अपॉन टू को रिवर्स कीजिए। अब माइनस वन अपॉन टू को आप माइनस वन अपॉन टू को यदि आप रिवर्स करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस टू, जो कि पहले था। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप इसको माइनस टू ले लीजिए। अब ये वाली भी, अब आपकी इतनी पावर भी सॉल्व हो गई, अब आपकी रही ये वाली पावर, और ये वाली पावर है आपके मीडियम ब्रैकेट के बाहर। सो आप मीडियम ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे एंड माइनस वन को बाहर ले लेंगे और ये वाला माइनस वन लगा देंगे। इतने को अब ये वाले माइनस वन को हमने सॉल्व कर लिया, माइनस टू आ गया, ये माइनस वन ये रहा एंड ये माइनस वन आपका ये रहा। अब हम इस वाले माइनस वन को सॉल्व करेंगे एंड सेम माइनस टू का रिवर्स करेंगे। माइनस टू का रिवर्स कीजिए, अगेन आपका वन अपॉन माइनस टू आ जाएगा। अगर आपको पावर को पॉजिटिव को नेगेटिव या नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हो तो आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो अब आप कीजिए सेम एज, माइनस टू को रिवर्स कीजिए, माइनस वन अपॉन टू,
ब्रैकेट को क्लोज, ये इतना आपका सॉल्व हो गया, माइनस वन लगा दीजिए। अब आपको अगेन माइनस वन को सॉल्व करना है, सो आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका रिवर्स कीजिए, इसका रिवर्स हम पहले भी कर चुके हैं, जो कि आएगा आपका माइनस टू। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए, सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, सो कुछ नहीं था, ये जो इतना डरावना सा आपको ब्रैकेट दिख रहे थे उसमें कुछ नहीं था, बस आप सबसे इनर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अभी हमने इंट्रो में पढ़ा था कि फर्स्टली आपको ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, स्मॉल ब्रैकेट ये रहा, सेकेंडली आपको मीडियम ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है ये रहा, एंड लास्ट आपको लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सबकी पावर नेगेटिव थी इसलिए हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए बस डिजिट को हम स्टेप पर रिवर्स कर चुके हैं। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। सो क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए आप लोग, प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इज रुपीज 5.50 एंड प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल इज रुपीज 80। द टोटल प्राइस ऑफ 1.5 दर्जन ऑरेंजेस एंड 1 3/4 किलोग्राम एप्पल इज, आपको ऑरेंज का प्राइस दिया हुआ है एंड आपको एप्पल का प्राइस दिया हुआ है, एंड आपसे कहा हुआ है कि ऑरेंजेस का 1.5 दर्जन, सो 1.5 दर्जन, एंड आपके एप्पल का कहा हुआ है, एप्पल का आपको प्राइस कहा हुआ है कि 3/4 किलोग्राम एप्पल का आपको प्राइस कहा हुआ है, और उन दोनों का आपको टोटल पूछा है कि एप्पल एंड आपके जो नेक्स्ट फ्रूट है ऑरेंज, एप्पल एंड ऑरेंज का आपको पूछा हुआ है कि एप्पल और ऑरेंज का आपका टोटल प्राइस कितना होगा। सो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड। ऑरेंज का आपका प्राइस गिवन है 5.50 रुपीस, आपको एप्पल का गिवन है रुपीस 80, एंड आपसे टोटल प्राइस पूछा हुआ था 1.5 दर्जन ऑफ एप्पल, 1/2 के लिए 1/2 एंड दर्जन के लिए 12। ओके, एंड टोटल कहा हुआ था सो हम ऐड करेंगे, एंड एप्पल के लिए आपसे क्या कहा हुआ था कि 3/4, सो 1 is 3/4, ये आप लेंगे, ये आपके हैं ऑरेंज के लिए एंड ये है आपका एप्पल के लिए। अब आपसे प्राइस पूछा हुआ था सो आपको पर किलोग्राम का प्राइस भी गिवन है, सो इसके साथ आप प्राइस को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 is 1/2 × 12 एंड ऑरेंज का प्राइस है 5.50, 1 is 3/4, एप्पल का प्राइस गिवन है आपको 80। सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, 2 × 2 ये हो गया आपका 3 × 12 × 5.50 प्लस 4 ये हो गया आपका 7 7/4 × 80। ओके स्टूडेंट्स, अब जो डिजिट कैंसिल हो रही है उसे आप कैंसिल कीजिए, ये आपका आ गया 6, ये आपका आ गया 20, 4 के टेबल से अगर हमने किया तो 6 3 = 18 × 5.50 एडिशन 7 2 = 14 140, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सो आपका हो जाएगा 99.00 प्लस में 140। अब देखिए डेसिमल के बाद जीरो है सो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, सो आप 99 और 140 को ऐड कर दीजिए, 239 आ जाएगा, जो कि आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था सो आप देखिए इजी भी काफी है, जितना लेंदी है तो बस आप इसकी वर्ड प्रॉब्लम को आसानी से समझिएगा। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन कुछ समझ में आया होगा, सिंप्लीफिकेशन में थोड़े क्वेश्चन ऐसे होंगे, टफ होंगे, थोड़े ब्रैकेट वाले होंगे एंड कुछ में बोर्ड मार्क्स लगेगा। आगे के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सो नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट और थोड़े क्लियर हो जाएंगे, एंड रेगुलर इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सीटेट के एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए देखने के लिए, रेगुलर स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।